Hello everyone. Today in this video we will study a new topic of our social and political life part 2 book under chapter 7. Topic is brand values and social values. Brand values का मतलब होता है brand के मूल्य और social values का मतलब होता है सामाजिक मूल्य. So let's start this video with this topic. Advertisements are an important part of our social and cultural life today. जो आज विज्ञापन जो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक मुख्य पार्ट या कहें तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है. We watch advertisements, discuss them and often judge people according to the brand products they use. और हम विज्ञापन को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उस अक्सर लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे ब्रांड के जो भी उत्पाद होते हैं उसके आधार पर करते हैं. गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट आर सच ए पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ्स, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क. और यह जानने के बाद कि एडवर्टाइजमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करने का इम्पॉर्टेंट साधन है, यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि यह किस तरीके से काम करते हैं. लेट अस लुक मोर क्लोजली एट द टू एडवर्टाइजमेंट्स दैट वी बिगेन द चीपर चैप्टर विथ. आगे हम जो आपकी बुक में या आपके चैप्टर में जो दो विज्ञापन दिया हुआ है उसके बारे में उसे हम ध्यानपूर्वक देखें जिससे यह पाठ शुरू हुआ था. इफ वी आस्क ऑल ऑफ द क्वेश्चन लिस्टेड वी विल रियलाइज द वे इन विच दिस टू एडवर्टाइजमेंट्स वर्क. यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार का काम कर रहे हैं. सो फर्स्ट विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट था ये वाली थी जिसमें व्हेन गेस्ट्स कम होम गिव देम द बेस्ट टॉप टेस्ट दाल वाला जो है, ये है आपकी बुक में जो एक एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में है. Branded dals cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of packaging and advertising. Brand वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुले में मिलती हैं, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और जो एडवर्टाइजमेंट का मूल्य है वो भी शामिल होता है. So many people cannot afford them. और इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं इसे खरीद नहीं पाते. However, because of the advertisement, people who cannot afford top test dal might begin to feel that they are not treating their guest properly. और जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते एडवर्टाइजमेंट की वजह से यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने जो भी गेस्ट हैं उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे. Gradually, people will come to believe that only branded dals are good and will want to buy the dal that comes in a sealed packed rather than that which is sold loose. और धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है. बट इन रियलिटी देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन अ पैकेट. लेकिन वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर होता है. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. और हमें जो डिफरेंस है वो एडवर्टाइजमेंट के कारण हम यह इस तरीके का डिफरेंस को इमेजिन करने लगते हैं.
नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट था आपकी बुक में जो है, सो योर चाइल्ड योर केयर एक्सप्रेस योर लव प्रेस वाली जो शॉप का जो एडवर्टाइजमेंट है वह उसके बारे में जिक्र किया गया है, आगे डिस्कस किया गया है। सो इन द केयर शॉप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज बिगेन यूज्ड बीइंग यूज्ड। केयर शॉप के जो विज्ञापन है इसमें फिर से व्यक्तिगत जो इमोशन है उनका इस्तेमाल किया गया है। एज अ मदर इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाई दिस एक्सपेंसिव शॉप। एक माँ के रूप में यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करती हैं तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना हो खरीदने का आप सोचेंगे और या खरीदेंगे। द एडवर्टाइजमेंट यूज द मदर्स कॉन्सर्न फॉर हर चाइल्ड। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट सो थ्रू असिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शॉप। विज्ञापन में बच्चे के प्रति जो माँ की चिंता को इस्तेमाल किया गया है वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन को यूज़ करके उनका जो प्रेम है और उनकी जो केयर है वो सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित होती है। बिकॉज ऑफ दिस मदर विंग टू फील दैट असीम दिस शॉप इज अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूज द लव ऑफ मदर फॉर हर चाइल्ड टू सेल दिस एक्सपेंसिव शॉप। मदर्स हु कैन नॉट अफोर्ड दिस शॉप माइट बी इन टू फील दैट दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रेन द बेस्ट केयर। और इस कारण जो मदर होती हैं यह फील करने लगती हैं कि इस साबुन को यूज़ करना एक मतलब एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से कितना अधिक प्यार करती हैं। और इस प्रकार के जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं अपने जो कॉस्टली या महंगे साबुन होते हैं उनको बेचने के लिए माँ के प्रति अपने बच्चे का जो भी इमोशन है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो माँ या मदर इस प्रकार के साबुन को नहीं खरीद पाती तो उनको शायद ये इस तरीके का फील वो ऐसा फील करना लगती हैं कि वे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस तरीके का महंगा साबुन जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है वो नहीं खरीद पा रही। एज यू कैन सी विथ द टू एडवर्टाइजमेंट्स दे ऑफन टारगेट आवर पर्सनल इमोशंस। जैसा कि आप इन दोनों जो टॉप टेस्ट दाल और एक्सप्रेस योर लव एक्सप्रेस शॉप वाली जो दो विज्ञापन थे उनमें देख सकते हैं कि अधिकतर हमारी जो पर्सनल इमोशन है उनको पॉइंट या केंद्र बनाने की कोशिश किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशंस टू प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी वैल्यू ओवर सेल्फ्स अस पर्सन्स। और हमारी व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं पर्सनल इमोशंस होते हैं उनको प्रोडक्ट के साथ जोड़कर वे इस बात को भी इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करते हैं कि हम अपना अपने आप अपना जो वैल्यू है अपनी जो मूल्य है उसको कैसे आँकते हैं। ऑफन सेवरल ऑफ आवर क्रिकेट हीरोज एंड आवर फेवरेट फिल्म स्टार्स ऑल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट्स टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। और अक्सर जो हमारे क्रिकेट प्लेयर होते हैं फेवरेट क्रिकेट प्लेयर होते हैं और जो फेवरेट हीरोज़ होते हैं जो फिल्म वगैरह में काम करते हैं वो उनको भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने का प्रयत्न करते हैं। वो वी मे फील टेम्पेड टू बाई दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज पर्सन होम वी कंसिडर आवर हीरोज टेल अस दैट दे आर वर्थ वेइंग। और हम इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना हीरो समझते हैं अपना आइडियल समझते हैं वो बता रहे होते हैं कि यह प्रोडक्ट है ख़रीदने योग्य है। इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट ऑफन शोन अस इमेजेस ऑफ द lifestyle of rich people and seldom show us the reality of people's lives that we see around us.
हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना हीरो समझते हैं वो बता रहे होते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसमें अधिकांशतः जो धनी लोग होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है। इनमें उन लोगों की जो जीवन की वास्तविकता है वो बहुत कम ही दिखाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ्स। वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देम बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर सेल्स आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली। इट इज therefore important to know how advertising works and understand what it does before we choose to buy the products that advertisement sell। और जो भी advertisement है हमारे जीवन में बहुत ही important जो role है उनका, वो उनका बहुत ही important role होता है। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं बल्कि ब्रांड उत्पाद जो ब्रांड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ करने से हम अपने और अपने जो फ्रेंड्स हैं फैमिलीज हैं उनके बारे में एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। और इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके द्वारा बेचे जाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ख़रीदने से पहले यह जानना और समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार का काम कर रहे हैं। We need to be able to critically understand why they use particular images, the personal emotion that they are appealing to, and the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it। और यह भी आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ विशेष जो इमेजेस हैं उनको ही क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों को यूज़ करेंगे या फिर इस्तेमाल ना कर पाने की जो कंडीशन है उसके बारे में अपने बारे में हम हमारे अंदर क्या विचार बनता है यह सब सोचना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक था आज की इस वीडियो में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग चैप्टर था उसके अंतर्गत हम आज ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ को स्टडी कर रहे थे। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।